हेलो दोस्तों, देवयानीज होम कुकिंग में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ गुजराती हांडवे की रेसिपी। चलिए बनाते हैं। गुजराती हांडवा बनाने के लिए चावल चाहिए, उड़द दाल चाहिए, चना दाल चाहिए और तुवेर दाल चाहिए। चावल बासमती वाले यूज़ नहीं करने हैं, ये नॉर्मल खिचड़ी वाले या कृष्ण क्रमोद बोलते हैं इस चावल को, वो आप ले सकते हैं। और एक कटोरी चावल लिए हैं, उसी के आधार चना दाल, तुवेर दाल और उड़द दाल लेनी है। ये मेरे पास साबुत उड़द दाल है। एक कटोरी चावल लिया है, तो उसी के आधारित हम सब दाल मिला के एक कटोरी होगी हमारी। देख सकते हैं इतने चावल लिए हैं और इतने सब दाल मिक्स ली है मैंने। इसी को हम पीस के रख देंगे। आप चाहे तो इसको भिगो के भी यूज़ कर सकते हैं। इन सबको अच्छे से धो के भिगो दें और फिर आप जब हांडवा बनाना हो तब आप सुबह में इसको पीस लें और उससे बना सकते हैं। ये मैं पीस के पूरा रेडी रखूँगी। जब अपन को हांडवा बनाना हो तब खाली इसको भिगोने की प्रोसेस करनी पड़ेगी हमको। इस तरह से मैंने इसको पीस के रख दिया है, तो आप जब चाहे तब इसको भिगो के आप बना सकते हैं। ये हमें हांडवे का आटा हमने पीस के रखा है, वो है मैंने इस कंटेनर में आप भर के आप रख सकते हैं 6 महीने तक भी, और जब आपको बनाना है तब यूज़ कर सकते हैं आप। हम इसी के अंदर भिगो देंगे। इसके अंदर मैं खट्टा वाला दही यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने 3 चम्मच दही यूज़ किया है और इसको मिला के, और थोड़ा सूखा लगे तो थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं आप। इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ और इसको ज़्यादा गीला नहीं करना है, इसको थोड़ा सा ठीक ही रखना है क्योंकि इसके अंदर वेजिटेबल्स डाल के बनाना है। इसका बैटर इस तरह से होना चाहिए। अगर आप ठंडियों में रख रहे हैं तो इसके अंदर खमीर ज़्यादा आएगा और आपका हलवा बहुत अच्छा बनेगा। अगर गर्मियाँ हैं तो आप अंदर ही रखें, 8 से 9 घंटे तक इसको ढक के ऐसे ही रहने दें तो ये हो जाएगा। इसको हम खोल के देख लेते हैं। इसको 9 घंटे हो चुके हैं और ये अच्छा फूल भी चुका है और अच्छा खट्टापन भी इसमें आ चुका है। इसी के अंदर हम अब सारे मसाले मिक्स करेंगे। हांडवा थोड़ा टाइम टेकिंग होता है पर बनने के बाद इतना ही अच्छा लगता है और टेस्टी लगता है, आप सभी को भी बहुत पसंद आएगा। इसके लिए चाहिए हमें लौकी, जो मैंने कद्दूकस करके रखी है। उसी के साथ मैं गाजर डाल रही हूँ। आप चाहिए तो सारी वेजिटेबल भी डाल सकते हैं इसके अंदर जो आपको पसंद हो। और मैं डाल रही हूँ बहुत सारा धनिया, हरा धनिया लिया है मैंने, अदरक हरी मिर्ची का पेस्ट, इसको मैंने पहले से रेडी करके रखा है। इसके अंदर चाहिए तो आप लहसुन भी डाल सकते हैं पर मैं इधर नहीं यूज़ कर रही। स्वाद अनुसार नमक, इसी के अंदर थोड़ी सी हल्दी, आधी स्पून जितनी हल्दी ली है, 1 स्पून जितनी लाल मिर्च ले रही हूँ मैं इधर। इधर लौकी का यूज़ मैंने 1 कटोरी किया है और आधी कटोरी मैंने गाजर ली है। इससे हमारा हांडवा बहुत सॉफ्ट बनेगा। आपके प्रिपरेशन में ये भी हो सकता है कि आपने जितना बैटर लिया है उससे आधी आपकी लौकी और वेजिटेबल होनी चाहिए, तो वो हांडवा बहुत सॉफ्ट बनता है और बहुत टेस्टी भी लगता है। इसी के अंदर मैं 2 स्पून जितनी चीनी डाल रही हूँ। गुजराती हांडवा है इसलिए चीनी का यूज़ होगा, और इसको दही के साथ हमने भिगोया था इसलिए इसका खट्टापन तो ऑलरेडी इसमें है, इसलिए वो डालने की ज़रूरत हमें नहीं है। आप देख सकते हैं इसके अंदर लौकी, वेजिटेबल सब दिख रही है। ये हमारा बैटर रेडी है। इसी के अंदर मैं छौंक लगाने वाली हूँ। इसी के अंदर मैंने 1 चम्मच इतना ऑयल ले लिया है और इसी के अंदर मैं राई डाल रही हूँ। राई हमारी चटक चुकी है, इसी के अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच जितने तिल, और तिल को डालने के बाद आप तुरंत ढक लीजिए क्योंकि उसके छींटे उड़ते हैं और वो आपको हार्म कर सकते हैं। और इसी के अंदर हम डालेंगे कड़ी पत्ता, इसी के अंदर हम डालेंगे हींग। इस तरह से आप हांडवा बनाइएगा, बहुत अच्छा लगता है ये। और ये वाला हमारा छौंक हम बैटर में डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और जब हमारा हांडवा हम काटते हैं और किसी को सर्व करते हैं तो वो अंदर से भी दिखने में इतना ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है और खाने में भी ये तिल के स्वाद बहुत अच्छा लगता है जो इसके अंदर हमने छोंक के डाले हैं इस वजह से।
इसी के अंदर आधी स्पून जितना बेकिंग सोडा डालेंगे। आप चाहे तो इनो का भी यूज कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से हिला लेंगे, कंटिन्यूस हिलाना है इसको। और ये बैटर जितना आपको यूज करना हो उसी हिसाब से आप सोडा डालें। मैंने इधर पहले से ही बैटर निकाल लिया था। जब जब आपको बनाना हो आप बेकिंग सोडा इसमें डाल के अच्छे से मिला के फिर आप उसको डालें। इसमें वापस थोड़ा सा ऑयल लेना है और नीचे भी थोड़े तिल डालने हैं हमको। अब हमारा बैटर हम बिछाएंगे। इसको आप चाहे तो पतला भी रख सकते हैं और आपको थोड़ा सा मोटा रखना है तो भी रख सकते हैं। इधर हमने मीडियम साइज में इसको फैला दिया है, ना ही ज़्यादा बहुत पतला और ना ही मोटा। और इसके ऊपर से भी हम इसमें थोड़े तिल डालेंगे। तिल सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम 10 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। उस दौरान हम इसको चेक करके भी देख लेंगे। 5 मिनट हो चुकी है, अब हम इसको चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये इसका कलर चेंज हो चुका है और ये पक चुका है। अब हम इसको पलट लेंगे। आप देख सकते हैं एकदम इजीली ये निकल रहा है। अब इसमें भी हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे, ज़्यादा नहीं। अब इसको पलट लेंगे। आप देख सकते हैं एकदम कितना अच्छा कलर भी आ गया है। और इसको 5 मिनट के लिए रखेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको भी देख लेंगे। ये वाला पार्ट भी एकदम सिक चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरह से हम दूसरा भी रखेंगे। और आप चाहे तो नॉनस्टिक पैन ना हो तो कढ़ाई में भी रख सकते हैं, उसमें भी इजीली हंडवा निकल जाएगा। हमारा एकदम टेस्टी गुजराती हंडवा बनके रेडी हो चुका है। बाहर जाए तो भी आप ले जा सकते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट और एकदम अच्छा बना है। आप इसको ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही नई नई रेसिपी जानने के लिए दिव्यानीज होम कुकिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।